खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, मुबारक जुमे का दिन है, सारी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है, तो मनाया जाना भी चाहिए, और लेकिन इसको ट्रेडिशनली नहीं मनाना चाहिए। जब हम इसको मनाते हैं, इन बातों को याद करते हैं, तो हमें मसीह की अथॉरिटी को, मसीह की कुर्बानी को, मसीह की इन बातों को अपने जहनों में लक्ष्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई आम सी बात, आम सा किस्सा वाक्या नहीं हुआ था, बल्कि मेरा और आपका मुनजी दो जहान खुदा यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ। ये आज का दिन अफसोस के साथ भी मनाते हैं, रस्मी तौर पर भी मनाते हैं, ट्रेडिशनली तौर पर मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, इससे हम कलाम की बातों को सीखते भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आज का दिन बनी नौ इंसान के लिए एक छुटकारे का दिन है। इसके बगैर हमारा गुनाहों से छुटकारा नहीं हो सकना था। आज का दिन हमारे बचने का दिन है। हम कभी मसीह के बगैर बच नहीं सकते थे। उसके खून को अपने ऊपर लेने के लिए जब हम उसके पास आते हैं, तो उसके लिए जरूरी था कि वो कुर्बान हुआ होता। इसलिए जरूरी ही चीज ये है कि आज के दिन हम अपने मसीह खुदावंद के साथ अहद करें कि मैं तेरी इस कुर्बानी को भूला नहीं, बल्कि मैं इसे अपने दिल में रहता हूं, और मुझे हर रोज इसकी याद रहती है कि तूने मेरे लिए अपनी जान दी और अपना खून बहाया। जैसा कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, आज के दिन मसीह खुदावन को सलीब दिया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और कांटे जो थे ताज में उसके सर के अंदर जा रहे थे। कांटे भी काफी लंबे थे और मोटे थे, अब उसके अंदर जा रहे थे जिसका उसका खून बह रहा था, और वहां पर गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका था, गर्मी भी बहुत थी, उसी खुदावंद को प्यास भी लगी थी, और उसका जिस्म कोड़े खाने की वजह से उसको मार मार के उन्होंने इतना जख्मी कर दिया हुआ था कि उसका जिस्म टूट चुका था, वो कमजोर हो गया था, पर मसीह खुदावंद को अपनी मौत यकीनी तौर पर नजर आ रही थी। इस हालत में मसीहा गुनहगार इंसान का बारे गिरां थामे हुए, अपने ऊपर उठाए हुए, अपना बोझ उठाए हुए, वो खोपड़ी के पहाड़ की तरफ रवाना थे। खोपड़ी का पहाड़, जिसे इब्रानी में गुलगुता भी कहते हैं, वो वहां की तरफ जा रहे थे। लकड़ी की सलीब उनको उठानी थी, बहुत भारी सलीब थी, जो उनसे जख्मों की वजह से, कमजोरी की हालत की वजह से उठाई भी नहीं जा रही थी। लेकिन याद रखे मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बच्चों, ये लकड़ी का बोझ सिर्फ लकड़ी का बोझ नहीं था, सलीब का बोझ नहीं था, ये मेरे और आपके गुनाहों का बोझ था, कुल जहान के गुनाहों का बोझ था, जिसे मसीह खुदावन उठाकर चल रहे थे, जा रहे थे, दुख में थे, वो भारी गुनाह थे मेरे और आपके। कलाम मुकद्दस में आप पढ़ते हैं कि मसीह खुदावन की जो जिंदगी है वो बेअमल नहीं थी, बगैर अमाल के नहीं थी, बल्कि बाअमल थी। यानी जो तालीम वो देते रहे थे 3 साल, जो दर्स वो देते रहे थे 3 साल, उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर पूरा भी किया, उसमें कोई कमी नहीं आने दी मसीह खुदावंद ने, और जो तालीम देते थे उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कलाम मुकद्दस में जब हम मुताला करते हैं, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि मसीह खुदावंद जब अपने बाप के पास जलाल में मौजूद थे, यानी जब वो अजल से
जिबा किया हुआ बरा बाप के पास मौजूद था, नूरानी हालत में मौजूद था, नूरानी जलाल में मौजूद था, तो कभी भी किसी फरिश्ते को यह जरूरत नहीं होती थी कि वो अपनी आंखें उठाकर उनकी तरफ देख सके। लेकिन आज जमीन पर लोग जो खाक से पैदा हुए थे, खाक से बनाए गए थे, जिन्होंने दोबारा खाक में लौट जाना था, उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसके ऊपर लांकान कर रहे थे, उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे और उसका खून बहा रहे थे, और मसीह के जिस्म को लहूलुहान किया हुआ था। लेकिन मेरा और आपका मसीह खुदावन खामोशी के साथ जुल्म सह रहा था और बर्दाश्त कर रहा था। ये हकीकत में एक जंग थी, जुल्म और मोहब्बत की जंग थी, खुदा के बेटे और अबलीस की जंग थी। ये जंग थी नस्ली नस्ले इंसानी की बका के लिए, इंसान के बचाए जाने के लिए, उसी खुदावंद की कुर्बानी और लहू से हमें खरीदे जाने के लिए। ये सारी जंगें जो थी वो एकदम से चल रही थी, और जुल्म और अबलीस को शिकस्त हुई, जुल्म को भी शिकस्त हुई और अबलीस को भी शिकस्त हुई, ताकि यशाया नबी का वो कौल पूरा हो जो यशाया नबी किए 53 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, अपने ही इरफान से मेरा खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। उसे अपने जख्मों की, बेइज्जती की, भूखे रहने की, प्यासे रहने की, मरने की परवाह नहीं थी, उसे परवाह थी मेरी और आपकी और उन लोगों की जो उसे तंग कर रहे थे, जो सता रहे थे, जो मार रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी मरते वक्त भी उनके लिए दुआ कर रहा था, उनकी शिफायत कर रहा था, उनको बचाने के लिए बाप से दरख्वास्त कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए बेताब थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनकी वजह से, उनके गुनाह की वजह से बाप का अजाब उन पर पड़ा, तो वो किसी सूरत में बच नहीं सकते थे, इसलिए वो बाप से दरख्वास्त कर रहे थे। और जो बेटी अलीशा ने पढ़ा है उनका की जी में से, उसके मुताबिक मसीह खुदावंद के मुबारक जुबान से जो पहला कलमा निकला वो लोगों को बचाने के लिए था, उनकी माफ़ी के लिए था, कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या करते हैं। मेरे लिए और आपके लिए ये माफ़ी आज भी मौजूद है, पूरी दुनिया के लिए मौजूद है, बशर्ते हम मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, उसे अपने दिल में आने चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बढ़िया।